hello everyone in this video we will see the example of banker's algorithm now this is a very important video which you need to see to the end because in every operating system question, uh, exam there is a question on banker's algorithm so in this we will try to see whether uh, uh, or how to solve a banker's algorithm question with uh, allocation max and available matrix तो देखिए इसमें क्या क्या गिवन है हमें पांच प्रोसेसेस हैं P0 ज़ीरो से लेकर P4 फोर तक तीन डिफरेंट टाइप के रिसोर्स हैं A B एंड C A के दस इंस्टेंस हैं मतलब A रिसोर्स के दस हमारे पास कॉपीज़ हैं दस इंस्टेंस हैं B के पाँच और C के सात और एक टाइम T0 ज़ीरो ये सिस्टम का स्नैपशॉट है एंड द क्वेश्चन विल बी लाइक चेक वेदर दिस सिस्टम इज़ इन सेफ स्टेट और नॉट तो अब हमें देखिए इसमें सिंपल हमें क्या चेक करना है कि जो हमारा सिस्टम है वो सेफ safe... सॉरी <coughs> uh, हमें क्या चेक करना है कि ये जो सिस्टम है हमारा वो सेफ है या नहीं तो उसके लिए हमें क्या करना है वी हैव टू यूज दिस सेफ्टी एल्गोरिथम सो नाउ स्टार्ट वी विल स्टार्ट वर्किंग विद दिस सबसे पहले तो आपको क्या करना है यू हैव टू क्रिएट अ नीड मैट्रिक्स और नीड मैट्रिक्स क्या होता है मैक्स माइनस एलोकेशन तो सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें वी नीड टू ड्रॉ वन नीड मैट्रिक्स सो द फर्स्ट स्टेप इज टू ड्रॉ नीड मैट्रिक्स देखिए नीड मैट्रिक्स कैसे बनेगा हमारे पास रिसोर्सेज हैं ए बी और सी एंड प्रोसेस आप पी जीरो पी वन P2, P3 पी थ्री एंड पी अब देखिए P0 का जो नीड आएगा वो क्या आएगा मैक्स माइनस एलोकेशन और हर रिसोर्स के लिए हम अलग निकालेंगे दैट इज सेवन माइनस ज़ीरो ए के सेवन बी के लिए फाइव माइनस वन दैट इज़ फोर सी के लिए थ्री माइनस ज़ीरो थ्री सिमिलरली फॉर पी वन थ्री माइनस टू वन टू माइनस ज़ीरो टू अगेन टू माइनस जीरो इज टू एंड यू हैव टू डू इट फॉर ऑल द प्रोसेस तो जो नीड मैट्रिक्स बनेगी वो ऐसे बनेगी आपकी सो दिस इज द नीड मैट्रिक्स नाउ वंस यू हैव ड्रॉन द नीड मैट्रिक्स यू नीड टू चेक योर सेफ्टी एल्गोरिदम सो द सेफ्टी एल्गोरिदम सेज वर्क इज इक्वल्स टू अवेलेबल सबसे पहला स्टेप जो है वो हमें वर्क को अवेलेबल के बराबर पुट करना है और वर्क कितना हो जाएगा फिर वर्क हमारा जितना हमें क्वेश्चन में अवेलेबल गिवन है अवेलेबल कितना है थ्री थ्री टू सो द वर्क विल बी थ्री थ्री एंड टू एंड देन सेट फॉर ऑल द प्रोसेसेस फिनिश आई इज इक्वल्स टू फॉल्स सो वी हैव कवर्ड द फर्स्ट टू स्टेप्स then वी हैव टू फाइंड एन आई सच that फिनिश आई इज equals टू फॉल्स एंड नीड आई इज़ लेस than equals टू वर्क तो देखिए सबसे पहले एक एक करके हम शुरू करेंगे इसमें काम करना सबसे पहले देखेंगे प्रोसेस पी ज़ीरो के लिए दैट इज वैन आई इज इक्वल्स टू जीरो दैट इज प्रोसेस पी ज़ीरो अब पी ज़ीरो की नीड कितनी है सेवन फोर थ्री हमारे पास वर्क कितना है थ्री थ्री टू and we have to check for each of the resource type that is a b and c तीनों के लिए होना चाहिए वो less than equals to but क्योंकि जो p zero की जो need है वो currently जो work है उससे ज़्यादा है that means p zero can't be completed or can't be allocated resources at the moment इस वक्त हम p zero को रिसोर्स नहीं दे सकते क्योंकि पी ज़ीरो को ज़्यादा चाहिए देन चेक फोर आई दैट इज़ पी वन पी वन को कितना चाहिए वन टू एंड टू एंड वर्क इज थ्री थ्री टू सो ना वट वी कैन डू वी कैन एलोकेट द रिसोर्स टू पी वन सो अब हमें क्या करना है इसमें अगर हमें ऐसा कुछ मिलता है आई तो हमें उसका फिनिश ट्रू करना है दैट मीन्स

थ्री थ्री टू प्लस टू जीरो जीरो विच इज इक्वल्स टू फाइव थ्री टू तो जो अब वर्क है वो कितना हो गया फाइव थ्री टू तो हमारा सबसे पहले हम पी वन को रन कर सकते हैं नाउ चेक फॉर पी टू जब आइएगा मेरा टू हुआ पी टू पी टू को चाहिए सिक्स जीरो जीरो हमारे पास है फाइव थ्री टू दैट मीन्स पी टू विल not work at this moment then i is equals to 3 that is p3 p3 ka jo need hai wo work se kam hai that means p3 ko hum run kar sakte hain or we can say finish 3 is equals to true और जो अब work हो जाएगा वो कितना हो जाएगा फाइव थ्री टू प्लस एलोकेशन ऑफ पी थ्री दैट इज टू वन सो द वर्क इज नाउ सेवन फोर थ्री क्लियर देन आई इज इक्वल्स टू फोर पी फोर के लिए चेक करेंगे पी फोर को चाहिए फोर थ्री वन हमारे पास है सेवन फोर थ्री दैट मीन्स इट कैन ऑल्सो प्रोसीड सो फिनिश फोर इज फिनिश फोर इज ऑल्सो सेट टू ट्रू एंड न्यू वर्क विल नाउ बी सेवन फोर थ्री प्लस एलोकेशन ऑफ प्रोसेस पी फोर विच इज़ ज़ीरो ज़ीरो टू सो इट विल बी सेवन फोर एंड फाइव अब हम मुझे बाकी के जो प्रोसेसेस हैं जिनका फिनिश अभी तक ट्रू नहीं हुआ है उनको चेक करना है मेरे पास दो हैं एक तो मेरे पास है पी ज़ीरो और एक है मेरे पास पी टू अब आप इनको किसी भी ऑर्डर में चेक कर सकते हैं यह आपके ऊपर डिपेंड करता है सो अज्यूम दैट आई एम चेकिंग फॉर पी जीरो पी ज़ीरो को चाहिए सेवन फोर थ्री मेरे पास है सेवन फोर फाइव दैट मीन्स आई कैन सेट इट्स फिनिश ऑल्सो ट्रू ट्रू और जो अव वर्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सेवन फोर फाइव प्लस एलोकेशन ऑफ पी जीरो विच इज़ ज़ीरो वन ज़ीरो

5 एंड 7 सो दैट मीन्स देर इज अ वन सेफ सिक्वेंस इन दिस स्टेट सो दिस सिस्टम इज इन सेफ स्टेट और वो जो सेफ सीक्वेंस है वो क्या आई है इस क्वेश्चन में हमारी जो सेफ सीक्वेंस है वो आई है हमारे पास सबसे पहले हमने रन किया था पी वन सो द सेफ सीक्वेंस कैन बी पी वन पी वन के बाद रन हुआ था हमारा p3 so it is p1 p3 then p4 after that p0 and p2 so this is the safe sequence and we can say that this system is in safe state so that is how you have to solve the questions in bankers algorithm in the next video we will see if one of the process requests some resources then how you need to uh, apply the bankers algorithm thank you for watching the video please subscribe to my youtube channel for more tutorials on operating system and other computer science subjects thank you